हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं अपने एक वीडियो के साथ और आपको यहाँ पे दिखाएंगे थ्रेडिंग का फुल ट्यूटोरियल। मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने क्लाइंट को कैसे सर्विस देती हूँ और इनकी स्ट्रेट थ्रेडिंग है तो मैं आज स्ट्रेट थ्रेडिंग बना के दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैंने कटिंग कर ली है, कटिंग मैं पहले कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पाउडर लगा दिया है और कहते हैं पाउडर से कम दर्द होता है, और हाँ सही में कम दर्द होता है। तो मैंने पाउडर लगा दिया है और अब हम यहाँ पे इनकी थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हो इजली जैसे हम लोग धागा पकड़ते हैं वैसे ही करके हमें अच्छे से कर देना है। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वीडियो में खुद अकेले ही शूट कर रही थी, ट्राइपॉड पर लगा के मैंने रख दिया था, तो इसमें अब आपको कम दिख रहा है और दूसरी थ्रेडिंग में आपको प्रॉपर दिखेगा। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो आप लोग किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग ये चीज़ कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक बहन बोल रही थी कि आपके जो है आप छोड़िए रहने दीजिए, मैं आज वो बात नहीं बोलूँगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। आप देख सकते हो अब किस तरह से ये आईब्रो के दोनों आईब्रो के मिड में बहुत प्रॉब्लम होती है हेयर निकालने में। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं निकाल रही हूँ। आपने बस ऐसे ही करना है और आपकी थ्रेडिंग जो है आपको धागा थोड़ा सा ढीला ही चलाना है, बहुत टाइट नहीं, बहुत रगड़ के नहीं, क्योंकि आप जो है अगर आप कस्टमर के फेस पर बहुत ज़्यादा धागा रगड़ रहे हो तो वो भी जो है उनको अनकंफर्टेबल लगता है और दर्द भी बहुत होता है, कट भी जाते हैं, तो वो सब चीज़ें ना हो। और बहुत सारी कस्टमर ऐसे होते हैं कि बोल भी नहीं पाती है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो आप इसलिए थोड़ा सा हाथ धागा जो है ढीला ही चलाइए। तो आप देख सकते हो मैं दूसरी थ्रेडिंग आपको ठीक से दिख रही है। और हाँ, कस्टमर कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि आप थ्रेडिंग बना रहे हो, धागा चल ही रहा है, वो थ्रेडिंग छोड़ देते हैं। थ्रेडिंग अगर वो छोड़ देंगे तो लूज़ होकर वो धागे में आ जाता है, स्किन कट जाती है हमारी। तो फिर कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि आपको बोलेंगे कि नहीं आपकी गलती है, आपकी गलती नहीं, वो चीज़ आप तुरंत बोल दो ना तो आपको आपका मतलब फंसने का चांस ही नहीं रहेगा। वो तुरंत आप उनको ये चीज़ रियलाइज करवा दो कि हाँ ये गलती आपने ही की है, आपने स्किन को अपने छोड़ दिया था, मैंने नहीं। तो मैं धागा सही चला रही थी, ये चीज़ आप पहले ही इनको रियलाइज करवा दीजिए, नहीं तो अधिकतर कस्टमर बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कहीं नहीं होता, बस आपसे ही हो गया है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और आप देख सकते हो कितने इजली से बात करते करते कितने मतलब कम टाइम में ही थ्रेडिंग हमारी हो गई है। और मैंने पहली वाली थ्रेडिंग में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी और इनकी थ्रेडिंग थोड़ा सा आप देख सकते हो कि एक मतलब होती है ना, किसी किसी की बहुत अच्छी थ्रेडिंग होती है, इनकी थोड़ी सी कम सही है थ्रेडिंग, क्योंकि ये बहुत बीच बीच से बाल निकले हुए थे इनके, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। और जिनकी थ्रेडिंग घनी होती है, अच्छी होती है, उनकी थ्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जिनके थ्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है उनकी थ्रेडिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो मैं यहाँ पे टोनर लगा दे रही हूँ, टोनर हम लगा देते हैं, नहीं क्लिनजिंग मिल्क लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।